अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इज अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सवाल है एक्सलेशन ऑफ द कार इज नाउ ये आपका सर्कुलर ट्रैक सर्कुलर ट्रैक पे इसको ऐसे मान लेते हैं कि गाड़ी यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है और यहाँ पर आपकी वी वेलोसिटी है सो right. so, यहाँ पे अपने को जो डेटा दिया हुआ है वो है स्पीड अपने को इस टाइम पे दी हुई है वेलोसिटी वो दी हुई है थर्टी मीटर पर सेकेंड रेडियस अपने को दिया हुआ है फाइव हंड्रेड मीटर और यहाँ पे जो डेटा दिया है स्पीड इज इंक्रीजिंग नाउ दिस मीन्स ये आपका टेंजेंशियल एक्सलेशन दिया हुआ है दैट इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें बताना है ए क्या होएगा नाउ ए हमें पता है इज इक्वल टू ए सी प्लस ए टी वैक्टर फॉर्म में ये आता है आपका नेट एक्सलेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए सी प्लस ए टी ऑल और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने लगेंगे हम विच एम्प्लाइज आपका ए सी या टोटल ए नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो है ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर का होल अंडर रूट हमें यहाँ पे ए टी पता है ए सी की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत तो है उसे इंसर्ट कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा ना अगर ए सी की बात करें तो ए सी उसको हम लिखते हैं वी स्क्वायर बाय आर वी स्क्वायर बाय आर का मतलब है ये हो जाएगा थ्री थर्टी मल्टीप्लाइड बाय थ्री ज़ीरो थर्टी डिवाइडेड बाय आर अपने को दे रखा है फाइव हंड्रेड विच एम्प्लाइज जो आपका ए सी है उसकी वैल्यू होगी नाइन हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड यानी कि नाइन बाय फाइव इसको यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो आपका ए नेट जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ नाइन बाय फाइव का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर है इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में नाइन का स्क्वायर यानी कि एट्टी वन प्लस डिवाइड बाय एलसीएम ले लें ट्वेंटी फाइव प्लस ये होगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर यानी कि हंड्रेड बन जाएगा सो so इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ वन एटी वन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव सो आपका ए नेट है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ वन एट वन डिवाइडड फाइव है अंडर रूट एटी वन एट वन का जब हम अंडर रूट करेंगे तो इसकी लगभग वैल्यू आती है थर्टीन पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाय जब इसको हम फाइव करेंगे सो so आपका ए नेट है उसकी जो फाइनल रिजल्ट है uh, उसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग ये हो जाएगा टू पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फोर टू पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द नेट एक्सोलेशन ऑफ द कार आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया